Unites.com, redefining Bollywood. जी मुझे कुछ पता नहीं स्टोरी के बारे में, एक्सेप्ट दैट इट्स कॉल्ड थ्री स्टोरीज, लेकिन प्रिया ने डायरेक्ट किया है और वो मेरी दोस्त है, तो उनके सपोर्ट करने के लिए आई हूँ. और आई एम रियली लुकिंग फॉर टू सीइंग इट बिकॉज शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन एंड आई एम श्योर शी इज मेड अ वेरी गुड फिल्म. मुझे जेन्यूनली बहुत इंट्रीगिंग लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, समथिंग डिफरेंट. प्लस रेणुका मैम की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ मैं, बहुत टाइम से सब जानते हैं, एंड आई जस्ट वर्क विद पुलकित, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी टू वॉच. रेणुका शाह जी है, उनको भारतीय नारी के रूप में ही देखा गया और इसमें बहुत अलग कैरेक्टर है, तो क्या लगता है कि इस तरीके की होगा, कितनी एक्साइटमेंट है उनके रोल के? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि एक्चुअली उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो ऐसा कुछ करें. वो जग दीदी के नाम से जाना जाती है, तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हर एज एन एक्टर एंड फॉर अस टू सी हर ऑन स्क्रीन इन समथिंग सो डिफरेंट. मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंट्रीगिंग है, तो आई एम वेटिंग टू सी कि जो इंट्रीगिंगनेस ट्रेलर में थी वो जिस तरह से फिल्म है. और जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से दोस्त हैं इसमें, हन्नी भाई है साथ वाले, तो और भोली मैडम भी इसमें है, तो सारे हैं, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस फिल्म एंड हैव दिस एक्सपीरियंस. क्योंकि ये जो फिल्म है ये काफ़ी डिफरेंट है एंड दिस इज समथिंग जो मैंने पहले कभी किया नहीं है. बहुत मिस्टीरियस काइंड का कैरेक्टर है, सो हाँ थोड़ा सा सोए नहीं है यार, दो फिल्मों का प्रमोशन चल रहा था ना, तो बिल्कुल नहीं सोए. ट्रेलर देखा मैंने और रितेश जो प्रोड्यूसर है उनसे भी मेरी बात हुई. उन्होंने कहा कि एक बढ़िया कहानी है, एक बढ़िया पिक्चर है और दोस्त लोग हैं इसमें, तो मैंने सोचा सपोर्ट के लिए मैं आया हूँ. और जो भी हर पिक्चर रिलीज होगी आई वॉन्ट टू वॉच ऑल द न्यू पिक्चर्स. और सुना है कि इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नई कहानी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड.